नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और एक सुपरहिट फिल्म कालीचरण की। लेकिन बात चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा की हो रही है तो शुरुआत शत्रुघ्न सिन्हा से। शत्रुघ्न सिन्हा एक सफल अभिनेता के साथ साथ राजनेता भी हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के ऐसे स्टार रहे जिन्हें इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद राजनीति का रुख जिन्होंने किया और उसमें कामयाबी भी हासिल की। और इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा एक अभिनेता के बाद एक सफल राजनेता भी बने। 15 जुलाई साल 1946 को बिहार के पटना जिले में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा कायस्थ परिवार से आते हैं। अपने चार भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न सिन्हा परिवार में सबसे लाडले और नटखट रहे। शत्रुघ्न सिन्हा के पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा पेशे से डॉक्टर थे और भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा के चार बेटे हुए जिनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखे गए। भुवनेश्वरी अपने दो बेटों को साइंटिस्ट और दो बेटों को डॉक्टर बनाना चाहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के दो बड़े भाई साइंटिस्ट बन गए और एक बड़ा भाई डॉक्टर भी बन गया। शत्रुघ्न सिन्हा भी पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन उनका मन शरारतों में ज्यादा लगता था। शत्रुघ्न सिन्हा को बचपन से ही मिमिक्री और एक्टिंग का शौक था। शत्रुघ्न सिन्हा ने स्कूली पढ़ाई करने के बाद पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखने का फैसला किया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में पहली बार एक्टिंग की थी और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शत्रुघ्न सिन्हा की पहली रिलीज फिल्म साजन थी जो साल 1969 में रिलीज हुई थी। इसके बाद गुलजार की डेब्यू डायरेक्टेड फिल्म मेरे अपने में भी शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया। मेरे अपने वही फिल्म है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग डिलीवरी के लिए जो फिल्म याद की जाती है और इस फिल्म में मीना कुमारी ने भी अभिनय किया था। साल 1973 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी फ्यूचर वाइफ पूनम सिन्हा के साथ सबक फिल्म में काम किया और इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर में 100 से ज़्यादा फिल्में की। इनमें साल 1983 में आई तकदीर, शिव, 1982 में आई तीसरी आंख, सागर और साल 1982 में हथकड़ी, इंस्पेक्टर जैसी फिल्में रहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने 90 के दशक में फिल्मों से अपना करियर राजनीति में बनाने का फैसला किया और यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा के अजीज दोस्त कहे जाने वाले राजेश खन्ना के साथ बुराई का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहां पर नफरत की शुरू होती है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ साल पीछे लिए चलते हैं और ये वो साल है जब राजेश खन्ना की ठुकराई एक फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के झोली में आ गिरी और शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत चमक गई। कालीचरण। कालीचरण का डायरेक्शन सुभाष घई ने किया था, वहीं प्रोडक्शन NN सिप्पी ने। और फिल्म में प्रोड्यूसर राजेश खन्ना को लेना चाहते थे लेकिन सुभाष घई इस फिल्म को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बनाना चाहते थे और अंत में जीत प्रोड्यूसर की हुई और डायरेक्टर को झुकना पड़ा। कालीचरण के लिए जब NN सिप्पी राजेश खन्ना के पास पहुंचे तो उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने डेट्स की कमी का हवाला देते हुए कालीचरण के लिए हामी नहीं भरी। खाली हाथ लौटे NN सिप्पी ने सुभाष घई को फिल्म को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। कालीचरण जब रिलीज हुई तो इसने सिनेमाघरों में बम्पर बिजनेस किया। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म के हीरो रीना रॉय की भी किस्मत चमक गई। इस तरह कालीचरण ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया स्टार दिया, एक नया सुपरस्टार दिया और उसका नाम शत्रुघ्न सिन्हा। साथ ही एक हिट स्टार जोड़ी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की भी इस फिल्म में कालीचरण के जरिए आई। शत्रुघ्न सिन्हा के करियर की बतौर लीड एक्टर पहली हिट फिल्म बन गई कालीचरण। कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ विलेन के रोल में अजीत खान थे और उनका एक डायलॉग है इस फिल्म में जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। और ये जो डायलॉग था ये खूब पॉपुलर हुआ था और इनके साथ इस फिल्म में प्रेमनाथ भी थे और उन्होंने फिल्म में IG
पीएन खन्ना का रोल प्ले किया था। कालीचरण, चूंकि सुभाष घई द्वारा निर्देशित साल 1976 की एक ऐसी ड्रामा एक्शन फिल्म थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, अफरीना रॉय, अजीत खान, डैनी, मदनपुरी और प्रेमनाथ इसमें लीड रोल में थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया और ये फिल्म सुभाष घई की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी और शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की एक सफल फिल्म के तौर पर भी इसका मूल्यांकन होता है। बाद में इसे तेलुगु फिल्म कैदी कालिदासु के तौर पर बनाया गया। विष्णुवर्धन के साथ कन्नड़ फिल्म कलिंग 1980 में इसी कहानी पर बनी और जिसमें मुख्य भूमिकाओं में प्रभु और शिवाजी गणेशन थे। तमिल फिल्म संगीली 1982 में और मोहनलाल के साथ मलयालम फिल्म पाथ मुदायम 1985 में इसका रीमेक बनाया गया। मतलब कालीचरण की जो कहानी थी वो किस तरीके से अलग अलग रूपों में सामने आई और इसको लेकर के अलग अलग भाषाओं में जब ये फिल्म बनी तो इसने वहाँ पर भी उतनी ही कामयाबी की। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि फिल्म दीनदयाल यानी कि अजीत के साथ शुरू होती है जो माना जाता है कि एक ईमानदार, अमीर आदमी और साफ सुथरा आदमी है। हालांकि ये सब एक पहलू है क्योंकि वो अपराध की दुनिया में लॉयन नाम से जाना जाता है जिसका एक आतंक है। वो शख्स जिसके अधीन कालाबाजारी, तस्कर और डकैतियां पनपती हैं। किसी को भी उसके बुरे कामों का अंदाजा नहीं है, यहां तक कि उसके करीबी दोस्त आईजी पीएन खन्ना यानी कि प्रेमनाथ को। पीएन खन्ना शहर और राज्य में अफसोस की स्थिति में बहुत चिंतित हैं। वो सरकार से अनुरोध करता है कि वो इंस्पेक्टर प्रभाकर यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा को शहर वापस लाएं क्योंकि वो एक ईमानदार और निडर पुलिस वाला है। प्रभाकर शहर आता है और अपराधियों पर एक तरीके से उन पर नकेल कसना शुरू कर देता है। बुरी तरीके से वो उनके पीछे पड़ जाता है और अपराधियों का जीना मुश्किल हो जाता है। प्रभाकर एक विधुर है यानी कि उसकी पत्नी नहीं है, दो बच्चे हैं। इसके अलावा आईजी खन्ना उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और बच्चों को अपने पोते के रूप में मानते हैं। पर्याप्त छापेमारी करने के बाद प्रभाकर को पता चला कि दीनदयाल एक भ्रष्ट आदमी है और समाज के लिए एक दानव है और वो सबके सामने सच उगलने की योजना बनाता है लेकिन दीनदयाल के आदमियों द्वारा मार दिया जाता है और मरने से पहले वो पुलिस को अपराधी को पकड़ने के लिए एक विशिष्ट सुराग छोड़ जाता है लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पाता कि वो सुराग क्या है। लिखा होता है LION लेकिन उसे उल्टा करके पढ़ा जाता है नंबर 17 और इसी नंबर 17 पर ये पूरी फिल्म घूमने लगती है जो घूमते घूमते लॉयन तक पहुंचती है। ये इस पूरी कहानी का लबोलुआब है लेकिन बात राजेश खन्ना की भी हो रही है। राजेश खन्ना को जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये फिल्म ऑफर हुई थी लेकिन डेट्स की कमी कहिए या फिर उस दौर की व्यस्तता जो राजेश खन्ना की थी, सुपरस्टार थे वो, और उन्होंने ये फिल्म नहीं की। फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा को मिल गई और एक नई जोड़ी निकलकर सामने आई, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की, और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। यहां तक राजेश खन्ना के साथ शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत अच्छी दोस्ती थी जो बाद के कई सालों तक रही। दोनों ने साथ में फिल्में भी की लेकिन साल 1992 आते आते शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पुराने सालों में पुराने दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ जब राजनीति में उतरने का विचार बनाया और दिल्ली से उपचुनाव में पर्चा भर दिया तो राजेश खन्ना खफा हो गए। जब उन्हें इस बात का पता लगा उन्हें काफी बुरा लगा। राजेश खन्ना कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे वहीं शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की तरफ से उतारे गए थे। हालांकि इस चुनाव में राजेश खन्ना 25,000 वोटों के अंतर से जीत गए लेकिन फिर भी उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से बुराई मान ली थी। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के बीच बातचीत बंद हो गई। राजेश खन्ना ने मरते दम तक शत्रुघ्न सिन्हा से कभी बात नहीं की और शत्रुघ्न सिन्हा ने हालांकि इस बीच कई बार कोशिश भी की लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें माफ नहीं किया। और कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी दिल्ली चुनाव में सियासी फाइट हो गई थी और इस बात को लेकर राजेश खन्ना काका काफी गुस्सा हो गए थे, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। इसके बाद मैंने कई बार माफी मांगने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। बाद में यही किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी दोहराया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भी शेखर सुमन ने चुनाव लड़ा था। साल 2014 में हुए चुनावों में शत्रुघ्न सिन्हा पाटलिपुत्र सीट से
मैदान में थे और यहीं से शेखर सुमन ने पर्चा भर दिया। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ये चुनाव जीत गए, वहीं शेखर सुमन को कांग्रेस के टिकट पर इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब ये सियासत है और सियासतदान इस बात को समझते हैं, लेकिन राजेश खन्ना के लिए राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो हर चीज़ को दिल से सोचते थे, दिल से लेते थे और इसीलिए दुखी रहते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।